विश्व प्रसिद्ध मंदिर तैयार हो चुका है। भगवान राम की मूर्ति जिहड़ी आ उह गर्भगृह दे विच पहुंच चुकी है। जने मुकी बाग खुली जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला कर दिवाली मैं मनाऊंगी। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਮੁਲਾਇਮ ਯਾਦਵ ਕੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਹਮ ਨਹੀਂ ਆਏਂਗੇ। ਹੈਪੀ ਹੈਪੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰੀ ਅਯੋਧਿਆ ਕੋ ਧਮਕਾ ਦੀਏ ਜਿਸਕੋ, ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਲੱਲਾ ਜੀ ਕਿਊਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੋ ਔਰ ਕਿਊਟ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ ਜਬ ਮਹਿਲ ਮੇ ਜਾਏਂਗੇ। ਹਮਾਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋ ਰਾਮ ਭਈਏ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਹੈ ਔਰ ਰਹੇਂਗੇ। ਹਮ ਲੋਗ ਯੇ ਬੋਲੇਂਗੇ ਯੋਗੀ ਜੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਅਵਤਰਿਤ मनुष्य है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा राम जन्म भूमि बल सका। कितने खुश हो मंदिर बन रहा है। अब आओ सीता रसोई रहा, राम जी रहे, हर एक मंदिर बनी रही। भले कह रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वकीले का जानते हो कि नेता नेता एक होते हैं। भगवान राम दी नगरी अयोध्या दे विच मौजूद हां, ते अयोध्या दी इतिहासिक नगरी है जो भगवान राम इत्थे कणकण दे विच वसे होए ने। इत्थों दे निवासियां नाल गल्लबात करांगे, इत्थों दे लोक की सोचदे ने, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध मंदिर तैयार हो चुका है। भगवान राम दी मूर्ति जिहड़ी आ उह गर्भगृह दे विच पहुंच चुकी है, ते प्रमाण प्रतिष्ठा लगातार जारी है, ते 22 जनवरी नूं भगवान राम अपने महलां दे विच प्रवेश करनगे। गल्लबात कर लैने आं, दे लोक मौजूद ने। राम राम जी। राम राम भैया। खुश हैं आप? हाँ भैया हम खुश हैं। राम आ रहे हैं? हाँ राम आ रहे हैं, बहुत खुश हैं। हाँ हमारे ख्याल तो राम भैये हैं। हाँ। और शुरू से हैं। हाँ। और रहेंगे। विश्व प्रसिद्ध मंदिर बन गया, आपकी पहली अयोध्या देखी आपने, कैसी थी आप? हम पहले भी देखे, अभी भी देख रहे हैं। हाँ, हाँ। लता मंगेशकर चौंप गए? बिल्कुल देखे हैं, सब बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा? हाँ, टेढ़ी बाजार भी अच्छी लग रही है। हाँ। हर एक चीज अच्छी, जो है नए घाट अच्छा लग रहा है। कितने खुश हो मंदिर बन रहा है यहाँ पर? हम लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत खुश हैं। खुश हो जी? कितनी दूर है यहाँ से मंदिर? यहाँ से आधा आधा किलोमीटर हम लोग के घर से। आप जाते हो दर्शन करने जाते हैं? पीछे से अपने घर के पास जाते हैं। अभी हम तो 31 को गए थे, 31 दिसंबर को। एंट्री होने देते थे? हाँ आराम से, आईडी देखते हैं अपना, वहीं पे सब जाते हैं सब लोग सब। अच्छा आप आंटी की बात बताओ, आपको बाबरी मस्जिद का कुछ याद है? बाबरी मस्जिद वहाँ पर नहीं रहा, ऊपर गुम्बज खाली बना रहा। अब और सीता रसोई रहा, राम जी रहे, हर एक मंदिर बनी रही, नीचे पे मंदिर रही, ऊपर पे गुम्बज खाली बना रहा, पूजा राम के होत रहा। अच्छा। हाँ बाबरी मस्जिद नहीं रही, खाली के मंडप बना रहा। हाँ बाबरी याद है जब वो गुम्बज गिराया गया? हाँ बिल्कुल याद है। हाँ हमारे लोग पर ही पर रहे, हम वही पीछे दुकान लगाए रहे चाय की, जब गिरा है, जब लफड़ा हुआ था। हाँ हम यहीं पर बराबर जो न रहे, जो है महीना कर्फ्यू लगा रहा। तो लगता है जो लोगों ने उस टाइम कार सेवकों ने कुर्बानियां दी, आज वो उनकी कुर्बानियां को फल मिला। हाँ उनको सुफल हो गया। नान नान बच्चे आ रहे मुंह में कफन बांध कर, राम राम हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। अच्छा। हाँ अत्य अत्य बच्चे छोटे छोटे। अच्छा। सारी दुनिया से लोग 22 तारीख को आपकी अयोध्या में आ रहे हैं, तो ऑपोजिशन है जो कांग्रेस पार्टी है, अखिलेश यादव मुलायम यादव की जो पार्टी है, वो नहीं आ रहे कि हम नहीं आएंगे? भले कह रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वकीले का जानते हो कि नेता नेता एक होते हैं। आपको कैसे पता चला? अरे हमको भी मालूम है, हम हूँ इंसान है, कोनो ही तो है नहीं। हाँ कि हम भी इंसान है, हम हूँ 10 मनिक बीच में हमेशा हम रहते हैं, हम हूँ नीचा ऊंचा हर एक चीज जानते हैं। जिस सभा में बैठे वही सभा की हाल जानिए, घर में बैठे तो कुछ नहीं जान मिली। उस दौर में और इस दौर में कितना अंतर है? वो जो दो अंतर है। हाँ वो दौर में यह दौर में बहुत अंतर है। अब औरतें आराम से रात को निकल सकती हैं, लेडी महसूस करती हैं। डर है अब आपको अगर रात को 12 बजे घूम के आना? कोई डर नहीं, आइए ना। अरे हम दिन रात यही करते हैं। सर माय नेम इज लक्ष्मणा श्रीवास्तव, हम लोग राम जन्मभूमि के पीछे रहते हैं और हमारे फादर राम लल्ला जी का कपड़ा सिलते हैं। हम लोग ये कहना चाहेंगे कि हमारे मोदी जी और योगी जी के आने से हमारी लेडीजों को बहुत फ्री कर दिए। चाहे रात को 10 बजे हम मार्केट जा सकते थे, पहले डर लगता था, इससे बहुत बाउंडेशन होता था फैमिली में भी और रोड पे भी, लेकिन अब उनके आने से लगता है लड़कों जैसी आजादी लेडीजों को भी मिल गई।
आई एम फ्री, जहाँ मर्जी आ जाए, जहाँ मर्जी आ जाए। वो तो बिल्कुल हैप्पी हैप्पी वेरी हैप्पी है, क्योंकि हमारी अयोध्या को वो दमका दिए जिसको, और हमारे लल्ला जी क्यूट हैं, वो तो और क्यूट हो जाएंगे जब महल में जाएंगे। अभी तक तो हम इतना खुश थे, लेकिन अब जब से मोदी जी आए, ये झगड़ा रगड़ा कोई निपटा नहीं सकता था। हम लोग ये बोलेंगे योगी जी, मोदी जी एक भगवान की अवतरित मनुष्य है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा राम जन्मभूमि बन सका, और कोई नेता के राज में। बस मैं इतना ही कहना चाहूँ। जय श्री राम। कहते भाई हैप्पी हैप्पी वेरी हैप्पी। कहते हम औरतां कहंदियां सानू मुंडिया वर्गी आजादी है कि असि बाजार दे विच रात नू 10-11 बजे निकल सकते हैं मोदी और योगी दे राज तो। हाँ। गाई ना गाई, शर्मा के रहे तो दिए मैं जलाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, सारे जन्मों के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला कर दिवाली मैं मनाऊंगी। बहुत अच्छा लगा। अयोध्या दे विच मौजूद हां, जय श्री राम। लोग बहुत खुश ने, औरतां कहंदियां हैप्पी हैप्पी वेरी हैप्पी। बिल्कुल कुछ नाराजगियां जरूर ने, क्योंकि कारोबार दे नाल रिलेटेड ने, पापी पेट दे नाल रिलेटेड ने, रोजगार दे नाल रिलेटेड ने, पर रामलला दा भव्य मंदिर बनन तो इथों दे लोक बहुत ज्यादा खुश ने। बाबरी मस्जिद दा उस समय याद करके बहुत कहंदे छोटे छोटे बच्चे सिरां ते कफन बन के आए सीगे कि रामलला दा मंदिर है जेड़ा ओह उसी जगह बनाउणा। ਹੁਣ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਗਨ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਪੰਜਾਬੀ।